अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अगर आप यहाँ नए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन विद आवर व्लॉग। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू प्रायर इन्फॉर्मेशन कि ये व्लॉग मैंने 22 जुलाई को शूट किया था और आज जो है 29 जुलाई। तो व्लॉग बहुत ही पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम्स। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा थक भी जा रहे थे बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स इवनिंग में थे तो आकर हम सो गए थे। एंड देन जैसे ही हॉलीडे की न्यूज़ मिली तो और ज़्यादा एक्साइटेड, तो हमने पढ़ाई नहीं। एंड इसी तरह हम रोज़ बाहर भी जा रहे थे तो बहुत सारे व्लॉग्स मैंने लिए हैं। इनफैक्ट गैप भी ले रहे थे लेकिन इट वॉज़ टू मच हेक्टिक कि मैं इतना ज़्यादा शूट करूँ फिर फ़ौरन ही अपलोड करूँ, तो दैट वॉज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं अब आपके साथ स्लोली सारे व्लॉग्स शेयर करूँगी, सो प्लीज़ इन्जॉय इट। तो आज हमारा प्लान है कि हम जाएंगे अनंतगिरी हिल्स विच आर लोकेटेड इन विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, एंड द वाटर फ्लोज फ्राम दीज हिल्स टू हिमायत सागर एंड गंडीपेट लेक। एंड द वेदर दिस डे वॉज स्लाइटली ह्यूमिड। सो दिस अनंतगिरी हिल्स इट इज़ वन ऑफ द डेंस फॉरेस्ट इन तेलंगाना। यहाँ आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। एंड अनंतगिरी हिल्स इज़ फेमस फॉर देयर वाटरफॉल्स एंड ऑल्सो द अनंतगिरी टेम्पल। सो फॉर द अदर रिलीजन फ्रेंड्स एंड फैमिली आप लोग वहाँ जा सकते हैं। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट अनंतगिरी हिल्स इज़ यूजअली नवम्बर टू मार्च, लेकिन आप लोग अभी भी जा सकते हैं क्योंकि मानसून में आप लोग अगर कहीं भी जाएँ। एंड एज़ वी आर एक्सपीरियंसिंग, लास्ट टाइम भी हम ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन ही हम गए थे श्री साइलम। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ देखें। बहुत ही अच्छा वेदर था एंड हमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं हुई और बहुत ही अच्छा अप्रोप्रिएट वेदर था। एंड वी वर फॉलोइंग द मैप्स, तो आप लोग भी विकाराबाद रोड जो है वो फॉलो कर सकते हैं और आपको बहुत ही आसानी होगी। एंड इट टुक अस ओनली 2 आवर्स फ्रॉम हैदराबाद टू अनंतगिरी हिल्स। लाइक वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 11 एंड 11 टू 1 o'clock हम वहाँ थे। एंड सडन चेंज ऑफ वेदर बहुत ज़्यादा था क्योंकि हैदराबाद में इतनी ज़्यादा ठंडी एंड बहुत ही अच्छा ब्रीजी वेदर था इन द अर्ली मॉर्निंग। अगर आप देखें यूजुअली इन द समर इट्स टू हॉट, इट्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, लेकिन ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट वॉज सो कोल्ड ड्रिजली। एंड हमें हॉलीडे भी इसी रीज़न से मिला था कि आज बहुत ही हैवी रेनफॉल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बारिश नहीं मिली। एंड मिली रास्ते में, इट वॉज हाई लो ड्रिजलिंग एंड थोड़ी हैवी काइंड ऑफ, लेकिन बहुत ही अच्छा था। और यहाँ रास्ते में हमें लेक भी दिखा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेक था ये। और यहाँ हम एंटर हो गए थे अनंतगिरी हिल्स। एंड यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरा वॉइस ओवर ज़्यादा पसंद है या मैं आपके साथ जनरली वही टाइम पर बात करूँ तो वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन आई थिंक कि मैं वॉइस ओवर में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, सो दैट दिस विल बी हेल्पफुल कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो आप, क्योंकि इंस्टेंटली तो मुझे भी आइडिया नहीं है इस जगह के बारे में, लेकिन अगर मैं थोड़ी प्री प्लान रहूँ तो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकती हूँ। और यहाँ हम आ गए थे फॉरेस्ट में। आप लोग अगर राइट साइड जाए तो आप फॉरेस्ट के बीच से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने साइड में ही थोड़ा रोक लिया और फिर यहाँ हमने टिकट देकर एंटर किया इन टू द हिल्स। और इस दिन इतने ज़्यादा लोग थे। एंड यहाँ माई डैड इज़ शोइंग कि आप लोग वहाँ से लिटरली बहुत ही अच्छा व्यू था। एंड ये वाली टिकट से आप लोग बिल्कुल टॉप पर जो था वहाँ जाकर देख सकते हैं, लेकिन हमने वो ऑप्ट नहीं किया क्योंकि इतने बारिश की वजह से द हिल वॉज सो स्लिपरी एंड स्लाइडी, तो दैट वॉज टू डेंजरस एंड रिस्की, उसके लिए हमने ऑप्ट नहीं किया। वरना कुछ लोग गए थे बेचारे, उन्होंने अपना शू ही निकाल दिया, तो हमने बस जहाँ तक हम जा सकते थे वो एक्सटेंड तक हमने गया, लेकिन उसके आगे वी डिडंट गो बिकॉज बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। एंड आई इवन डिडंट वेयर शू, एंड जिसने भी शू पहना था दे ऑल्सो वेंट बेयर फुट, सो दैट्स द रीज़न हम वहाँ तक नहीं गए। वरना आप लोग समर में ट्रैकिंग, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी होगी एंड
आई वोंट लाइक दैट वेदर टू बी ऑनेस्ट. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी यही वेदर में जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की था क्योंकि कल ही इतनी तेज़ बारिश थी एंड आज भी हमें हॉलीडे भी उसी रीज़न से मिला था कि इट वॉज़ गोइंग टू बी हैवी रेनफॉल ऑल ओवर द सिटी एंड ऑल्सो दिस वॉज इन रेड अलर्ट. तो हम उसकी वजह से नहीं गए एंड देन वी आर रिटर्निंग बैक टू हैदराबाद तेलंगाना. ब्रिटेन में हमें जो लेक मिला था हम वहाँ गए थे एंड यहाँ हमने देखा कि बैट्स थे. आप लोग देख सकते हैं लिटरली ऊपर सारे बैट्स थे ड्यूरिंग द इवनिंग व्हेन वी वर रिटर्निंग. अराउंड 6 PM हम रिटर्न हो रहे थे तब. आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग. सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. अल्लाह हाफिज़.